नमस्कार साथियों, पहले कुछ साथी जुड़ जाएं उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कुछ साथी जुड़ जाइए। पता नहीं साथी क्यों नहीं जुड़े हैं। हाँ जितेंद्र भाई जी, हेलो भाई। कुछ लोग जुड़ जाते तो बात शुरू करता। मैसेज तो कर दिया था पहले, लोग पता नहीं क्यों, क्या किस इंतज़ार में हैं, अभी तो समस्याएं हैं सब। गुड मॉर्निंग जितेंद्र भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए 10-12 लोग जोड़ रहे हैं, बात शुरू करता हूँ मैं अपनी। देखिए आज एक न्यूज़ वायरल हो रही है। वायरल क्या हो रही है, आज अखबार में एक न्यूज़ निकली है। नमस्कार गौरव भाई, नमस्कार। आज एक अखबार में एक न्यूज़ आई है कि 31,000 पे जब भी लिस्ट आ सकती है, जल्दी आ सकती है। तो यार ये तो हम सबको पता है कि 31,000 की लिस्ट आएगी और वो आनी ही आनी है, और हम तो उसी इंतजार में बैठे हैं कि लिस्ट आए। ठीक है, क्योंकि बिना लिस्ट आए तो कुछ नहीं होगा, वो खबर सच है। लेकिन वही चीज़ है कि जैसे किसी को कोई ये नहीं कह सकता कि ये भर्ती कब पूरी होगी, उसी तरह से कोई ये नहीं कह सकता 31,000 की लिस्ट कब आएगी। अब कल कुछ लोगों ने बताया कि NIC गए, वहाँ ये पूछा पूछा। यार देखिए NIC जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि आप कोई भी वहाँ मुंह उठा के चला जाएगा और अपनी बात ले आएगा। वहाँ अधिकारियों को जाने की इजाज़त होती है, सिर्फ हर कोई NIC नहीं जा सकता। तो ये सब बातें, बाकी कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन आप या सच तो वही रहेगा ना जो सब मानेंगे और जो सच होगा, वरना कहने को कोई कुछ ना कह दे। अच्छा सबसे पहले जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कई लोग कल से, कल कुछ साथी मुझसे प्रश्न पूछते हैं बार बार कि आखिर आप लोगों का उद्देश्य क्या है, आप लोगों का उद्देश्य क्या है। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हमने तो जो 30 तारीख को निदेशक महोदय को अपना ज्ञापन दिया था तो उसमें भी हमने इसी उद्देश्य का जिक्र किया था कि सर आप 67,000 पद जो आपने जिन लोगों को चयनित किया है, आप उन लोगों को एक साथ नियुक्ति दें। यही हमारा एक उद्देश्य है। आप, मैंने कई बार वो अपना ज्ञापन जो दिया था निदेशक महोदय को, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हमारा एक ही उद्देश्य है और सरकार इसके लिए रिक्वेस्ट डाले अपनी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, अब ये कुछ साथी पूछते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो देखिए रणनीति, पहला उद्देश्य तो हमारा, मैंने बता दिया आपको कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सबकी नियुक्ति साथ हो। ठीक है, दूसरी आती है रणनीति क्या होगी। नमस्कार अनंजय भाई, नमस्कार। देखिए हमारे आगे की रणनीति, सिर्फ एक रणनीति है हमारी आगे की, कि हम पहले ये देख रहे हैं कि एक बार लिस्ट जारी हो जाए, लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद जैसे आज, जैसे एक बात मान लीजिए, 1 तारीख को लिस्ट जारी होती है तो ये मालूम है सुबह से शाम तक जारी होगी लगभग, अगर, और यही मालूम है 1-2 दिन में भर्ती मिल के, आप सोचो विद्यालय मिल जाए 1-2 दिन में, नहीं 2-3 दिन तो काउंसलिंग ही चलेगी, उसके बाद नौबत आएगी जो भी। तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिस दिन लिस्ट जारी होगी एक दिन का हम समय देंगे। जैसे आप मान लीजिए 1 तारीख को लिस्ट जारी होती है, 2 तारीख का आपको समय दिया जाएगा, 3 तारीख से हमें लखनऊ कूच कर देना है। तो हमारी यही रणनीति है फिलहाल के लिए। और बाकी हमने पहले भी कहा था भाई, बार बार सब लोग रणनीति पूछ रहे थे इसलिए ये बता रहा हूँ, वरना जैसी गवर्नमेंट चाहेगी उस हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे। जैसे है ना कि जैसी हवा चलेगी वैसी पीट देंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि काम कुछ हो रहा है हम अपने हिसाब से कुछ और कर रहे हैं, नहीं, हमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा कि नियुक्ति हमें जब 7 परीक्षा दी है तो 7 में करेंगे। ठीक, अब दूसरी ये बात आती है, कुछ लोग हम पे कह रहे थे कि आप लोगों ने बंटवारा कर दिया, आप लोगों ने बंटवारा कर दिया। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप ये क्यों 31,000 37,000 कर रहे हो। तो आप मुझे बताइए, जो भी साथी मेरे जुड़े हैं वो मुझे सिर्फ एक बात बता दें, हम में से किसने कहा कि आप नियुक्ति हमारी पहले कर दो। आप ये बताइए 31,000 के जो समर्थक भाई हैं वे ही तो गए थे धरना देने के लिए कि जल्दी से सरकार नियुक्ति करे, सरकार नियुक्ति करे। हमने तो एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारी नियुक्ति जल्दी कर दो। हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था, क्योंकि हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें एक ही जिक्र किया था कि 67,000 पदों को एक साथ भरा जाए।
जिससे ये इस पर फिर दूसरे केस उत्पन्न ना हो कि कल को लिस्ट आते ही, कई लोग ये सोच के बैठे हैं लिस्ट आते ही, उन्हें धरातल पर काम नहीं करना, उनका काम यही है कि लिस्ट आते ही सीधे से चैलेंज कर देंगे। वो तो बहुत आसान तरीका है यार, वो तो हम कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा प्रथम प्रयास ये रहेगा। और मैं आपको श्योरिटी दिला सकता हूँ, जिस दिन लिस्ट जारी हो जाए, एक दिन का आपको समय इसलिए दूंगा क्योंकि कुछ भाई होते हैं, उनको कुछ कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं। ऐसे अभी मैं कह दूं लास्ट रात को 9 बजे लिस्ट जारी हो और मैं आपको कह दूं कि आप सुबह मुझे लखनऊ मिलो, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि बहुत से भाई छूट जाएंगे इससे। तो हम आपको एक दिन का समय देंगे, उसके बाद आपको लखनऊ पहुँचना है, और जिस समय आपने 8,000 10,000 की संख्या लखनऊ में दिखा दी, तो आप ये मान के चलिए हमारा वहाँ पे जाकर एक ही उद्देश्य रहेगा कि आज आपने लिस्ट जारी करी 31,000 की, यानी कि सरकार ने हमारे साथ भेदभाव कर दिया, हमें दरकिनार कर दिया। अब हमारा लखनऊ कुछ होगा, और लखनऊ जाके हमारा सिर्फ एक ही प्लान होगा, सीधे से हम अपने संख्या बल से ये दिखाएंगे, जब आप बताइए 10,000 संख्या होगी तो वहाँ पे मुख्यमंत्री क्या, शिक्षा मंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, सभी को आना होगा। ये ऐसा तो नहीं है कि 10-12 हज़ार लोगों को उठा के सीधे इको गार्डन भेज देंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो हम अपने संख्या बल से इन्हें बुलाएंगे और अपनी बात रखेंगे, और सीधे आश्वासन नहीं चाहिए फिर हमें ये चाहिए कि सर आपने ही कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास 51,000 पद हैं जो हम दे सकते हैं, तो आप हमें दे दीजिए, आप हमें कोर्ट के अधीन दे दीजिए, जब ऑर्डर आएगा हमारे फेवर में आता है तो हम नियुक्त हैं, अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम भी वैसे ही अपना नियुक्ति पत्र वापस दे देंगे जैसे 31,000 वाले भाई देंगे। तो हमारी रणनीति यही क्लियर है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ पूरी तरह से कि अगर 10,000 लड़के मुझे लखनऊ दिख गए तो आपको या तो उस दिन उसी दिन साथ में ये आदेश होगा कि 67,000 लोगों को आप नियुक्ति पत्र दे दो, कोर्ट के अधीन दे दो, या फिर ये आदेश होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी डालो कि वहाँ से ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट की जाए। तो सर मैं आपको ये आश्वस्त कर दे रहा हूँ पूरी रणनीति पर काम हो रहा है। अब एक और बात आती है कि कल से सब भाई कह रहे हैं, हाँ एक चीज़ मैंने यार जिला लेवल पर अपने कुछ साथियों का गठन किया है, जिला प्रभारी बनाए हैं, और लगभग कितने हो गए ये, लगभग 21 जिलों के, मैं शेयर कर चुका हूँ फेसबुक पे पोस्ट पे शेयर किया है अपने इसी ग्रुप में, लगभग 21 जिलों के प्रभारी बन चुके हैं, और बाकी जिलों के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा ये तो बात आप कहो तो ये तो बिल्कुल सच नहीं है कि बाकी सभी का 31,000 में हो रहा है। देखिए आप किसी भी आधार से मान रहे हो, मेरा तो आप सबसे एक ही अनुग्रह है कि इसी बात पे आइए कि सारे पद एक साथ भरे जाएं, और कोई इसका चारा ही नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है उसमें हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। अच्छा कुछ भाई जो मेरा मानना है, बाकी आप लोग बताइए, कि लगभग 50-60% लोग जो हैं जिनकी रैंक भी बहुत ऊपर है, जिनको उम्मीद नहीं है कि उनका नंबर आ सकता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उसमें मतलब ये सोच रहे हैं कि एक जुमला है। भैया देखिए सच बता रहा हूँ आपको, मैं खुद दिल से ये मानता हूँ ये जुमला हो, जबकि जुमला नहीं है ये, लेकिन ये जुमला हो। तो यार आप ये बताओ आज आप लोग जुड़ जाओगे क्या समस्या आ जाएगी, हम हमारी टीम या हमारे जितने भी साथी हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, सिर्फ आपका साथ मांग रहे हैं। देखिए अगर आप साथ खड़े होंगे, ये टीम बनाने की ज़रूरत, रणनीति बनाने की ज़रूरत, और जिला लेवल पर प्रभारी और आप सबसे मिल सबको जोड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आज लिस्ट जारी हो जाती है 1 तारीख को, जैसे मान ली लिस्ट जारी हुई, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 तारीख नहीं बता रहा हूँ कि कुछ भाई अभी कहने लगेंगे कि वो 1 तारीख को हो रही है, वो चीज़ नहीं, 1 तारीख को जैसे मान के चलिए 1 तारीख को लिस्ट जारी हो जाती है। अब आपको अगर आप सब लोग जुड़े हुए होंगे, जिला लेवल पे सब लोग जुड़े होंगे, तो आपको जो आह्वान किया जाएगा कि 2 तारीख को 3 तारीख को आपको लखनऊ कुछ करना है, तो आपको एक दूसरे का मुंह नहीं देखना है, ना ये सोचना हमें कौन आह्वान करेगा, क्योंकि फिर समस्या ये आएगी कि वो सोचेगा कि वो आह्वान कर दे, वो सोचेगा वो आह्वान कर दे, और लोगों को पता नहीं चल पाएगी कि कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सब लोगों को एकजुट रहना है। और आप बताइए, देखिए अगर नियुक्ति एक साथ हो जाए, इससे किसी को नुकसान नहीं है, हमें इसी में फ़ायदा है, तभी हमारी नियुक्ति हो सकती है। और अगर कल को मान ली ये भर्ती जैसे ये एक जुमला निकले, तो यार आप मुझसे जुड़े हो, कल को हट जाना, कुछ किया थोड़ी ना है हमने, लेकिन तब तक जुड़े रहो। और जो साथी जुड़ना नहीं चाहते हैं, देखिए नियुक्ति इतनी आसान नहीं होती मिलना, और आप देख लीजिए कौन सरकार नियुक्ति देना चाह रही है, किसी को नहीं देना चाह रही है। आपने अभी देखा
संविदा पे हमने आवाज़ उठाई, इन लोगों ने वापस ले ली। अभी बिजली विभाग ने अपनी हड़ताल कर दी कि निजीकरण नहीं होने देंगे। देखिए सरकार झुकी नहीं झुकी, जिस जिस मैटर पे आप आवाज़ उठाओगे सरकार क्या यार, हमने चुना है इन्हें, ये कोई अपने ऊपर नहीं आ गए, आज चुन लिया, एक गलती हो गई, अगली बार नहीं चुनेंगे, इन लोगों को हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप लोग जुड़िए, जो भाई मेरे नहीं जुड़ रहे हैं, जिन जिलों से अभी कोई उठ के नहीं आया है सामने, भाई सोच के रखिए, आप लोग बहुत अंधकार में जा रहे हैं। मैं जब आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ यही कह रहा हूँ साथ खड़े रहो यार, पुलिस कोर्ट कचहरी मैं हूं ना देखने के लिए। और आप ये कैसे सोच लेते हो जब आप इतनी बड़ी संख्या में लखनऊ खड़े हो गए, वहाँ आपको कोई पुलिस कुछ कर लेगी? अरे पुलिस हमारा साथ देने के लिए बैठी है। अधिकारी जब हम 30 तारीख को मिले थे, सब अधिकारी हमारे साथ खड़े थे, क्योंकि अधिकारी ये जानता है ना कि ये बच्चे चयनित हैं। हम सरकार से ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप मेरिट कम कर लो, आप ये इस तरह से हमें चुन लो, आप हमें इस तरह चुन लो। हम तो ये कह रहे हैं जब तुमने चुना है हमें तो अब नियुक्ति दो। अब ये क्या होता है 31 हज़ार, जो भाई 31 हज़ार में सिलेक्ट हो रहे हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं, ठीक है भैया करो विरोध, लेकिन ये बता दो अगर कल को गवर्नमेंट कहने लगे कि मैं 31 हज़ार को नहीं, अब मैं 10 हज़ार को दूंगी, तब तुम आओगे हमारे साथ खड़े होगे, फिर क्या करोगे? अच्छा कल को सरकार ये कह सकती है कि चलिए शिक्षा मित्रों का तो हो रहा है इसलिए 8 हज़ार शिक्षा मित्रों को दे रही हो, आपको बाद में दूंगी, मान जाओगे? कोई नहीं मानेगा, तब समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इन सारी बातों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि ये नियुक्ति साथ हो। पुष्पराज भाई आप सही कह रहे हैं, तनवेज आलम भाई आप भी ठीक कह रहे हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन मैं समस्या ये है कि और लोग साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या इंतजार कर रहे हैं। जब इन लोगों की चीज़ समझ में आ रही है, जुमला जुमला समझ के बैठे हो भैया, सरकार ने 31 हज़ार का जुमला ही फेंका है, ये मैं कह रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ, लेकिन कहानी पता है क्या है? आप आवाज़ उठाओ मत, देखो ये जुमला सच होगा। आवाज़ उठाओगे कैसे भाई? जो स्ट्रेटजी बना रहा हूँ बहुत सोच समझ के, सबसे विचार विमर्श करके, सलाह मशवरा लेके, सिर्फ ये नहीं कि घर में ही सलाह मशवरा ले लिया है, मैं स्वयं से LLB किया हुआ बंदा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका सिर्फ यही है इसका, कि आप सिर्फ एकजुट रहिए इस समय। आपको मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन फेसबुक पर पढ़े रहो, पूरे दिन आप काम करो, कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ आप टच में रहो, सिर्फ टच में रहो। आज मुझसे आप शेयर कर लो बातें, मैं नंबर मांगता हूँ, आप लोग नंबर ही नहीं देना चाहते। भैया ये बताइए, कल को मैं आपको आवाज़ दूंगा, आपको क्या लगता है मैं आवाज़ दूंगा कि 10 महीने बाद मुझसे मिलना, या 10 दिन का समय मिल जाएगा? 1 दिन का समय दूंगा बस, अब वही दे पाऊंगा, और वही जरूरी है, ये थोड़ा ना आपकी ज्वाइनिंग के बाद किसी को वो कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता। आपको सिर्फ 1 दिन का समय दूंगा, जिस दिन लिस्ट जारी होगी उसके बाद 1 दिन का समय दूंगा कि उस, और अगले दिन आपको बुलाऊंगा सीधे, लखनऊ आना है आपको उसके लिए। ये तभी हो सकता है जब आप लोग जुड़े होंगे, जब जुड़े रहोगे आप तभी काम होगा, वरना मैंने बहुत देखा है सब इसी इंतजार में रहते हैं यार कि कहाँ जाएं, अब कैसे करें। अरे विशेष भैया बिल्कुल यार, आप हमारे साथ हो, आप अपना नंबर छोड़िए मुझे, नंबर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आप लोग जो भी क्या बोलते हैं, जो भी साथ जुड़ना चाह रहा है, नंबर दे रखे हैं मैंने, हमारी टीम के नंबर दे रखे हैं। और अब मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बार मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग ना तो कहीं ग्रुप में साथियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कोई लोग जोड़ रहे हैं, और जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी आदमी निगेटिव बात करे, जो कहता है कि आप होने दीजिए, किसी का तो भला होने दीजिए, तो उससे एक बात कहो कि भैया अगर क्या बोलते हैं, कल को सरकार ने ये बात कह दी कि सिर्फ अभी शिक्षा मित्रों को ही नियुक्ति देंगे, बाद में आपको दूंगा, आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। और फिर पहले हमसे क्यों आए थे चंदा मांगने के लिए? पहले तो बड़ा हमारे साथ खड़े हो रहे थे, अब क्यों नहीं खड़े हो? और हाँ, कुछ भाइयों के कल बहुत एक प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे कि आप लोगों का हो गया तो क्या होगा, इनमें से आपने टीमें बनाई हैं उनका हो गया तो? भैया मैंने सेलेक्ट कर करके लोग लिए हैं, सबकी रैंक बकायदा चेक किया हूँ, तब जाके लोगों की टीम बनाई है मैंने, और आपको ये आश्वासन दिला देता हूँ कि हमारा तभी होगा जब 67 हज़ार पूरे भरे जाएंगे। और अगर उसके बाद किसी भी तरीके से कोई कुछ करता है, मैं फिर भी खड़ा हूँ आपके साथ। अब आता हूँ मैं अपनी महिला साथियों पे। भाई मैंने टीम बनाई यार, कल कौसाम्बी मैडम और सपना मैडम को लेकर टीम बनाई, वो प्रदेश स्तर पर लीड करेंगी, तो आप लोग उनसे जुड़ क्यों नहीं रही हैं? जब उनके नंबर शेयर कर दिए गए हैं, हमारे महिला साथी उनसे जुड़ी है आप लोग। मैम सिर्फ महिला साथी को लेकर आ रहा हूँ, बेसिक में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50-50% का आंकड़ा रहता है महिलाओं का, और 50% में यहाँ तो 2% भी महिलाएं नहीं दिख रही हैं। मैम आपकी ही संख्या तो हमें जीत दिलाएगी,
आप लोग जब साथ होंगे तभी हमें नियुक्ति मिलेगी, तो आप लोग जुड़िए। आपके नंबर शेयर कर दिए गए हैं, आप सपना मैडम से कांटेक्ट कीजिए, उनके नंबर शेयर हैं, और कौसाम्बी मैडम से बात कीजिए आप। क्योंकि मैम समस्या ये है ना, अभी आप लोग जितना इसे हल्के में ले रहे हो ना सर, अगर मैं सही बता रहा हूँ, कल को लिस्ट जारी हो गई और सही रणनीति के साथ इस पर काम नहीं हुआ तो आप ये सोच के बैठ। अच्छा एक बात बताइए, दशहरे की छुट्टी में इन्होंने लिस्ट निकाल दी, आप सुप्रीम कोर्ट कैसे चले जाओगे, कैसे फाइल कर लोगे? 4 दिन में तो नियुक्ति करा देंगे जी। तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोगों को लखनऊ कूच करना होगा। क्या बंद कर देंगे? SCRT बंद कर लेंगे ना, विधानसभा ही तो बंद कर लेंगे, कार्यालय बंद कर लेंगे क्या, लखनऊ की सड़कें बंद कर लेंगे क्या? हम सिर्फ दया मांग रहे हैं, हमें नियुक्ति दी थी आप लोगों ने, अब नियुक्ति दो। जब आप लोगों ने हमें नियुक्त किया था तो आज नियुक्ति दो, बंटवारा नहीं कर सकते आप। और सच्चाई ये है, आप सबने पढ़ा होगा समानता का अधिकार, जब सबने समान तरीके से समान पदों के लिए समान एग्जाम क्वालिफाई किया है और समान तरीके से आपके भर्ती हुए हैं, तो अब आप कहते हो कि नहीं आप सेलेक्टेड नहीं हो, तो ये क्या हुआ, समानता का अधिकार का हनन है? कतई चिंता ना करो, सिर्फ इतनी सी बात कह सकता हूँ आप लोगों से कि आप साथ रहिए। और भैया जिन जिलों के अभी कोई प्रभारी नहीं बने हैं, भैया आप लोग सामने आइए, कुछ लोग सामने आइए, हमें पता होता है कि हम हाँ हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, तो वो लोग सामने आइए। लखनऊ से कोई नहीं आया है, मैं समझ रहा हूँ अभी आपके दिमाग में बहुत सी बातें होंगी कि क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हमें ही करना है, अवतार जन्म अब नहीं लेगा। अब पहली बात, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा एक चीज़ कही है और मैं हमेशा कहते आया हूँ, उस आदमी को भले ही भूल जाओ जिसने आपका बुरे वक्त में साथ दिया हो, उस आदमी को कभी मत भूलना जिसने बुरे वक्त में साथ छोड़ा हो। क्योंकि जो हमें आज बुरे वक्त में साथ छोड़ के चला गया, उसने तो हमें बुरे वक्त में जो साथ छोड़ दिया तो हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा उसने। यार जब हमारे पास सब कुछ है तुम हमारा साथ दे रहे हो, इसमें कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? जब सरकार साथ थी तुम हमारे साथ लड़ लिए, आज सरकार हमारे विरोध में खड़ी हो गई है, आप लोग अलग हो जाए, ये तो चीज सही नहीं है ना। तो, राशिद भाई अभी किसी को नहीं बनाया है, आप लोग कुछ आगे आइए यार, मुझे मैसेज कीजिए, मैंने नंबर डाल रखा है अपना, आप लोग सब करिए, अभी टीम बनानी है भैया, और ज़्यादा दिन का समय नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इन्होंने लिस्ट जारी करी ऐसे किसी दिन जिस दिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा करने का, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ, बिल्कुल श्योर, कि जब आप लखनऊ दिख गए 3 दिन में नहीं है नियुक्ति करवा देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हम अपने संख्या बल से, आप खुद बताइए, इस चीज़ को सोच के देखिए, अगर 10,000 लोग जाके लखनऊ में खड़े हो जाएंगे, वो भी सारे नियुक्त, क्या लगता है आपको ये बड़ी न्यूज़ है? नहीं है, ये बड़ी न्यूज़ होगी, और सबको इसी भर्ती के सहारे ये चुनाव लड़ेंगे, इनका तो उद्देश्य ही ये है। अभी अगर मान लिया इन्हें करा दी इन्होंने 31,000, और हम नहीं रोक पाए कि हम इसी में बढ़ गए कि हम जुड़े ही नहीं है किसी से, आवाज़ दी तो 100 लोग पहुँचे वहाँ लखनऊ, उनको भर के गाड़ी में भेज दिया इको गार्डन, 2 दिन वहाँ रखा, 3रे दिन से सब काउंसलिंग, जिला नियुक्त, आप क्या कर लोगे भैया, क्या कर सकते हो? कल को सरकार आएगी, सरकार कहेगी कि हम 37,000 की नियुक्ति कराएंगे, आप हमें वोट दो, आप मजबूरी में वोट दोगे, मैं खुद दे दूंगा कि भैया यार ये करवा देंगे, फिर आएंगे, फिर 6 साल रोकेंगे, और तो कब तक करते रहोगे ये, 30 साल की तो उम्र हो गई। अब तो भैया यही बता रहा हूँ, अमित कुमार मौर्य भाई बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आप मैं खुद लीडर्स को देखना चाह रहा हूँ यार, सब साथ जुड़े मेरे, क्योंकि हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, यही हमारी रणनीति है। और अगर किसी को कोई समस्या हो या कोई अपना विचार रखना चाहता है, किसी को समझ आ रही हो कि ऐसे नहीं किसी और तरीके से काम हो सकता है, तो वो मुझे बताए, मुझे तो बस यही चीज़ समझ में आई है और इसी तरह से काम कर रहा हूँ। और रही बात अगर कोई कहना चाहता है न्यायिक प्रक्रिया या लीगल, तो यार LLB किया हुआ हूँ, सब पता है कैसे लीगल एडवाइस ली जाती है, क्या करना है, आप चिंता ना कीजिए, यहाँ से लेके जहाँ तक लड़ना है वहाँ तक लड़ेंगे। लेकिन अगर नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति ऐसे ही मिलेगी जैसे मैं बता रहा हूँ, लिस्ट जारी होने दीजिए, हम इनको अपनी साथ में लिस्ट जारी कराएंगे, तब तक लखनऊ से उठेंगे नहीं। ये मालूम है हमें गोलियाँ नहीं चला देंगे हम पे, और गोलियाँ अगर चलाएं तो आप चिंता ना कीजिएगा, मैं सामने खड़ा हूँ,
एक मेरे लगेगी तभी किसी के लगेगी। और खैर ये तो एक फर्जी बात है, कुछ नहीं होता ऐसा, हिम्मत नहीं है सरकार की। और सरकार अगर आदेश भी दे देगी ना भैया, तो अधिकारी नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारी ये जानता है यार ये प्रताड़ित बच्चे हैं, इनके साथ गलत कर रही है, सब हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं, वे खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर आ जाए। और आपको पता है कितने सारे काम निकल जाएंगे उससे, एक बार हम लोग खड़े हो गए, सरकार जब देखेगी संख्या ना, तो सरकार खुद कहेगी कि इस तरह से तो नहीं हो सकती। फिर उनका दो ही ऑप्शन रह जाएंगे, अगर 10,000 लड़कों को उन्हें लखनऊ देख लिया तो उनके पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे कि या तो सबको कोर्ट के अधीन नियुक्ति दे दो 67,000 को, या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट कर लो कि जल्दी जल्दी धरना दें। और अगर न्यूज़ बन गई तो क्या लगता है आपको, जज साहब के दिमाग में नहीं पहुँचेगी ये बात, खबर नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचती है, कुछ भी ना पहुँचे फिर भी कहीं ना कहीं पहुँचेगी। आप लोग कतई चिंता ना कीजिए, जॉब दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और जो रणनीति बनाया हूँ, आप बिल्कुल सोचें इस चीज़ से कि आपको नियुक्ति मिलेगी, इसी तरह से मिलेगी। और बाकी यार मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि लोग ये सोच के बैठे हों कि जैसी लिस्ट आएगी और हम क्या बोलते हैं उसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ठीक है, चैलेंज करते रहो, पैसा देते रहो लोगों को, लेकिन इन सबसे अच्छा क्या होगा कि आप सीधे लखनऊ कूच करने के लिए तैयार रहो एक साथ, जो पैसा और जगह देना है वो पैसा वहां लगा देना। आपने 2 दिन, 1 दिन का आपको समय दूंगा तो भैया बिल्कुल ही, हमें 1 दिन का समय दूंगा भैया, 1 तारीख को लिस्ट जा रही थी, 2 दिन, 2 तारीख का पूरा दिन दूंगा कि आपको मटेरियल बनाना है, कैसे आपको पहुंचना है वहां, कैसे क्या करना है। हम सब चयनित हैं, चयनित, इन्होंने जो हमारे नाम जाके चयनित लिखवा दिया ना एक बार लिस्ट जारी करके, अब अगर ये सोचेंगे कि मैं अचयनित घोषित कर दूं, मैं तो नहीं होने दूंगा। और मैंने पहली बात की थी कि अगर 10,000 लड़के पहुंच गए, और अब भी कह रहा हूं जो लोग जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़ जाओ, प्लीज़ जुड़ जाओ, आप मेरे लिए नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे ऊपर आने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कल को ये कहानी होती है कि जब एक साथ आप नहीं जुड़े हुए हैं, कल को अगर आपको कोई काम करना हो आप किसकी आवाज़ पे जाएंगे, आप कैसे जाएंगे। उन लोगों की आवाज़ पे तो आप नहीं जा सकते ना जिन्होंने पहले ही आपको छोड़ दिया। और सिर्फ एक ही तरीका है भैया, आशुतोष उपाध्याय जी, भैया हमारा किसी से वैर नहीं है यार, हम कुछ नहीं कह सकते कौन क्या है, हम सिर्फ अपना कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य है नियुक्ति सबको साथ मिल जाए बस। अमित मुंडेला भाई आप साथ रहिए, और मैं जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं हम समझ सकते हैं कि ऐसे बाहर के हैं, लखनऊ के कुछ साथी क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ जुड़ो यार, आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, मोस्टली काम आप देख सकते हैं। आशुतोष उपाध्याय भाई आप बिल्कुल हमारे साथ हैं, आप लोग सब साथ ही रहिएगा। और सब हो गई बातें, आज की न्यूज़ जो हो रही थी वो ठीक है, वो न्यूज़ आप ये मत समझ लिया कि वो फेक है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट करेगी तो है। मनीषा जी आपको हमने बता दिया है, कुछ मैम लीड कर रही हैं यहाँ से, सपना मैम है, सपना पांडे जी और कौशाम्बी मैडम, कौशाम्बी यादव, आप उन दोनों के नंबर मैंने शेयर कर दिए हैं, आप लोग उनसे जुड़िए। महिला साथी नहीं जुड़ी तो आपको ये सोचिए यार और ऑप्शन क्या है आपके पास, कुछ साथ, कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ताने सह पाओगी ससुराल के, ये जेन्यून बात बता रहा हूँ, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ससुराल के ताने कहाँ से सहोगी। और आपको पता है कितने ताने पड़ते हैं, हम तो अभी तक कितने लोगों को, तो ये जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो तो ठीक है, वरना पता है लोग क्या कहते हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे गांव में तो आज तक ये चीज़ चलती है कि पुष्पेंद्र फेल हो गया है, सबको झूठ बोलता है, अब बताइए। विकास तिवारी भाई ऑर्डर एक साथ ऐसे नहीं आएगा। आप अच्छा, एक वो केस लिस्ट हुआ है 14 तारीख को, जो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए भैया वो 14 तारीख का जो केस लिस्ट है वो अच्छी चीज़ है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो जाए उससे, हो सकता है, उसमें रही कोई नया वकील इन्वॉल्व कर दो तो भैया, लीगल बात यह है कि कोई भी आप किसी भी केस में अगर आपको कोई नया वकील इन्वॉल्व करना होता है सर, तो वो लिस्ट होने से पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन डाली जाती है, उसे कहते हैं नोटिस, उसे कहते हैं, चलते टर्म याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन एडवांस नोटिस दिया जाता है पहले से कि ये वकील हम इसमें इंगेज कर रहे हैं। आपने डिवीज़न बेंच में देखा होगा जब वो नंदन जी आए थे दिल्ली से, उनकी सुनी थी क्या जज साहब ने, नहीं सुनी थी, तो हो सकता है उससे कुछ पॉजिटिव हो जाए, लेकिन हमें उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हम यार, उसमें चांसेस बहुत कम हैं कुछ होने की। बाकी मैं सबसे अब भी यही आग्रह करूंगा कि भैया जुड़िए, लोग जुड़िए, और अगर आपसे मैं फिर वही चीज़ है, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ,
और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ साथ खड़े रहिए, साथ नियुक्ति दिलाऊंगा, इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो टीम बना रहा हूँ वो सब उन लोगों की बना रहा हूँ जो 31,000 के कतई समर्थक तो छोड़िए, आप उनके आसपास नहीं भटक रहे हैं। बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, आप सब लोग मेरे साथ रहिए। अगर किसी भाई को कोई अब भी कोई शंका हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि अब 2 दिन शायद लाइव ना आऊँगा मैं। जब तक कोई नई वो नहीं आती है तब तक लाइव आने का कोई मतलब भी नहीं है। विकास त्रिपाठी भाई, ऐसे धरने की डेट क्या फिक्स कर लूँ बताइए। मैं ऐसे धरने की डेट फिक्स करने से लाभ क्या होगा, आप लोग लॉजिक से सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप शिक्षक बनने वाले हैं, हर काम एक रणनीति से होता है। अभी हम कौन सी रणनीति बना के धरना कर दें, किसके खिलाफ कर दें? मैं तो खुद चाह रहा हूँ यार लिस्ट आए, क्योंकि लिस्ट आएगी ना, मुझे जो जो मेरी उम्मीद है और जो आज तक मैंने देखा है, अगर हम 10,000 लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे अपनी मांग इस मांग के साथ कि सर आप जब इन्हें कोर्ट के अधीन नियुक्ति दे सकते हैं आदेश के अधीन, तो सर हमें भी कोर्ट के आदेश के अधीन आप नियुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आपके पास पद खाली हैं। उसके बाद दूसरी मांग, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर कीजिए, लेकिन ये भर्ती आप नहीं कर सकते बिना हमें छोड़े। और बताइए आप कैसे कर लेगी सरकार ये भर्ती, कैसे कर लेगी? नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन, जो होना ही नहीं है भाई। चीज पुष्पराज भैया, सरकार लिस्ट देगी, लेकिन सरकार ये चाह रहे, सरकार कोई, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार कोई दिन देख रही है। लिस्ट देना सरकार की मजबूरी है, जब तक लिस्ट नहीं देंगे इनकी, इनका जो मेन काम है, जो मैंने बहुत पहले कहा था, इन्हें बहुत कुछ जो कर रहे हैं इन्हें वही करना है। भूपेंद्र शुक्ला जी, जिंदगी में ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये जितने लोग हंसते हैं ना हम पे, यही तो हमें मोटिवेट करते हैं। आलोचना तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसी से तो पॉजिटिविटी मिलती है। हम तो खुद चाहते हैं लोग हंसें। जो आपने सुना होगा, संघर्ष में दुनिया में हम अकेले संघर्ष करते हैं, लेकिन जीतने का बहुत लोग साथ आते हैं। और रही बात इनके हंसने की, तो ये मुझ पे क्या हंस रहे हैं यार, एक दिन ये खुद पे हंसेंगे, लोग इन पे हंसेंगे। मैं तो पता है मुझे नियुक्ति चाहिए, मैं ये सोच चुका हूँ। मैं जब लखनऊ गया था 29 तारीख को, 30 तारीख को ज्ञापन देने के लिए, मैं उस दिन सोच के गया था। इससे पहले मैं कभी अपने आप नहीं गया, लोगों ने बुलाया गया हूँ, समर्थन सभी का किया है, आप देख लीजिएगा। आपने शायद जब धरना उस समय दिया था SCERT पे टीमों के साथ, तब भी मैं वहाँ मौजूद था, अब भी मौजूद हूँ। और कार्य किया है यार, सामने आके कार्य नहीं किया है, पीठ पीछे सब कार्य किया है। बरेली में इतने काम किए हमने, मैंने ही गाड़ी पे लिखवाया, आप देख सकते हैं, हर तरह से जितना कर सकता था अपनी आवाज़ उठाने के लिए सारे कार्य किए। लेकिन वही बात है गौरव भाई, श्योर हैं संघर्ष करके जीतेंगे तो जरूर, इतिहास रहा है यार, संघर्ष करने वालों को जीत मिली है। और कुछ लोग कहेंगे गलत जगह पर संघर्ष करें, गलत जगह कहाँ जा रहे हैं, हम तो सही जगह जा रहे हैं, आप मुझे बताइए। जो भैया जितना, प्रतिमा मैम आप बरेली से ही हैं, आप लड़कियों को लीड कीजिए, आप बताइए, अगर आप कर सकती हैं तो मैं आपका नाम रख कर देता हूँ आपको, आप करिए। क्योंकि जब तक आप खुद जानती हैं इस चीज़ को, जब तक महिलाओं की संख्या सही नहीं होगी काम नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं ना, वो लोग नहीं जानते। देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा कि हो सकता है भाई आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जिनका हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन यार 13 वैसे BTC हूँ मैं, बेरोजगारी भी देखी है और ये भी मालूम है कैसे ज़माना ताने देता है। कल कई भाइयों का फ़ोन आया, वो अपना परेशानी बताते हैं कि भैया बहुत परेशान है। अरे तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, मैंने कहा भैया परेशान हैं, सभी परेशान हैं। वो कहते हैं कि 72,000 जैसा हाल ना हो जाए, कि इन कुछ नेताओं ने उसमें चंदे के चक्कर में वो भर्ती ही नहीं होने दी, कितने वो रहने दिए उसमें, आज तक कितने लोग रह गए हैं। तो जी गौरव सही कह रहे हो भाई तुम, कि पोस्टर भी लगाए हैं यार हमने, लेकिन आप चिंता ना कीजिए नियुक्ति मिलेगी। तो वही कुछ भाई कह रहे हैं कल कि ऐसा हाल ना हो, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए, अगर आप जिस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ संख्या बल के ऊपर नियुक्ति लेना चाह रहा हूँ, उस तरह से अगर आप करते हैं, और जो भाई कहेंगे ना कि संख्या बल से कुछ नहीं होता लाठियाँ पड़ती हैं, तो भैया मुझे ये बता दो नियुक्त वाले कितने आज तक लाठियाँ खा के आए हैं। और हम तो चाह रहे हैं सरकार लाठी मारे, तो बेसिक का तो इतिहास है यार, बिना लाठी खाए यहाँ नियुक्ति कहाँ मिल गई। मेरे परिवार में भाई जितने हम हैं जेंट्स,
मेरे स्वयं की पत्नी बेसिक में है यार, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं। कोई भी प्रतिमा मैम, आप चिंता ना कीजिए, बिल्कुल जो भी लोग आप साथ नहीं जुड़ रहे हैं, ये लिस्ट आते ही आपके पीछे भागेंगे। बस आपका ये होना चाहिए कि हाँ आप लीड कर रही हैं, खुद ही आपके पीछे आएंगे। क्योंकि जिस दिन लिस्ट जारी हो गई, सबको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारी गर्दन पे अब तलवार लटक गई, अब कुछ नहीं रह गया। अभी तो सब मजाक सोच रहे हैं यार। आपको पता है इस सरकार की नियति क्या है? ये हर काम हल्के से शुरू करती है पहले, इससे दुनिया से मजाक समझे, फिर देखती है कि विरोध हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर विरोध नहीं हुआ तो वो काम इन्होंने कर दिया, और विरोध ऐसा हुआ कि ये लोग उसे झेल सकते हैं। जैसे हम 100-500 लोग पहुंच गए तो उनको ये समझ जाएंगे, अरे इतने ही लोग आएंगे, कुछ नहीं होगा इससे, तुरंत हमारे सब खत्म कर देंगे, नियुक्ति करा देंगे। लेकिन वहीं विरोध तगड़ा हो गया, जैसे अभी संविदा पॉलिसी का हुआ कि संविदा पॉलिसी लेके आए, पूरे देश में बेरोजगारी दिवस मना दिया। देखो सब कुछ वापस ले रहे हैं। खुद इनके सीएम कह रहे, डिप्टी सीएम ये बात बोले कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर साला ये इनका प्लान नहीं था कुछ करने का, तो ये पहले वो बात कहाँ से आ गई जो इन्होंने कहा, जो इनका वो क्या बोलते हैं प्रवक्ता आके बोलता है कि हम संविधान लागू करेंगे, तो ये बात कहाँ से आ गई? तो मतलब दोनों झूठ बोल रहे हो यार। बिल्कुल भूपेंद्र भैया, मैं छोड़िए यार, वो कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि बेरोजगारी का दंश बहुत देखा यार। ये 68,500 इसी सरकार ने रोकी थी, आके मुंह फाड़ दिए 30-33 पे नियुक्ति देंगे। खैर वो छोड़ो यार ये सब बातें, 12,460 का सब जानते हैं क्या हाल हुआ। बनारस से भैया, बनारस से राहुल भैया हैं, बनारस से राहुल भैया लीड कर रहे हैं, आप उनसे जुड़ जाइए और साथ मिलके काम कीजिए। श्रीकांत भैया बनारस से, राहुल भैया हैं। रुपेश काजला जी, मेरठ से अभी कोई लीड नहीं कर रहा है, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अभी कोई नहीं है मेरठ से। बाकी भैया जो भी यार साथ आ रहा है, जो भी साथ जुड़ना चाहता है, मैं कह रहा हूँ आपको अगर लग रहा हो कि बहुत वक्त है, तो भैया बहुत वक्त नहीं है। आशुतोष उपाध्याय जी, बिजनौर से भी अभी कोई लीड नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ 20 जिले की टीम तैयार हुई है, 20 और 23 जिले की टीम तैयार हुई है, वहाँ के लीडर्स बना दिए गए हैं। बाकी जो भी आना चाहता है वो या तो मुझे मैसेज कर सकता है, और भैया कोशिश कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो आप यार, क्योंकि इसमें पता है कई सारे कमेंट, इतने सारे कमेंट हो जाते हैं कि कई बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। आप मेरा नंबर है वो मैं शेयर भी कर दूंगा दोबारा से, आप उस पर अगर मैसेज छोड़ देंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। मैं आपको सबको, मैं आप देख लीजिए सबसे पूछिए, जितनी भी कॉल आ, सबकी कॉलें आ रही हैं, कंटिन्यू वेटिंग में कॉलें आ जाती हैं, लेकिन मैं सबको रिप्लाई देता हूँ यार, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने लोगों को जोड़ सकूँ उतना बेस्ट रहेगा। क्योंकि संख्या जो मुझे चाहिए वो संख्या मुझे मिल जाए, बस वो संख्या मिल जाए, उसमें मेरा भी लाभ है भाई। नियुक्ति मुझे भी तो चाहिए यार, अकेले जाके मैं लखनऊ में कितना भी कूद फांद कर लूँ कुछ नहीं होगा, अगर मैं कुछ भी कर लूँ यार सब समझ। हाँ तनवेज भाई, 67,867 जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी और लेके रहेंगे इसे। अरे वर्मा जी आप सही कह रहे हैं, लखनऊ जब आह्वान करेंगे आप आएंगे, लेकिन आपको लखनऊ से कोई लीडर क्यों नहीं मिल रहा यार, कोई आना क्यों नहीं चाहता है? भाई लखनऊ तो राजधानी है, भाग में तो लीडरशिप की ज़्यादा वो होगी, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। और बाकी मैंने बता दिया लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र भैया फेसबुक पेज यही है, इसी पे आप आ जाइए, बाकी आप मुझे मेरे पर्सनल उस पर कर सकते हैं फॉलो, मैं जानकारियाँ सारी दे देता हूँ जो हमारी, और हमें कोई बहुत बड़ी भी जानकारी है नहीं सर, जिस दिन जानकारी देने का समय आएगा वो भी दी जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, जो एक आवाज़ पर लखनऊ कूच कर सकें, और नियुक्ति उसी तरह से मिल सकती है। आगरा से सर, आगरा से सर अभी कोई टीम तैयार नहीं है। राशिद भाई आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं खुद जोड़ लूंगा, मैं खुद चाह रहा हूँ कोई आए तो आगे। वीरेंद्र भैया आप तो साथ हैं यार, आपका तो लगता है हर जगह आप हमेशा तैयार रहते हैं, बाकी और लोग यार आ नहीं रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो तो बहुत बढ़िया है। अरे सर शुभम सर, सोर्स क्यों नहीं है यार, सारे सोर्स हैं, लेकिन समस्या यही है लिस्ट जो बन रही है वो विवादित ही बन रही है, और अब मैं यार यह या कह नहीं सकता, लेकिन समस्याएं हैं उसमें। और यार सीधी सी बात आप मानो, 31 की लिस्ट कैसे ही बन ही नहीं सकती, बिना विवाद तो बन ही नहीं सकती। बाकी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे लिस्ट बन रही है।
आप फोन करने से अच्छा होता है ना, कई पता है बार बार फोन आते रहते सभी के। वैसे मैं कोशिश करता हूँ सभी को, और मैं सबको दूंगा जवाब, ऐसी बात नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सबको इस तरह से कोशिश करूंगा कि सबको किसी को भी समस्या ना हो। श्रीकांत भैया कह दिया मैंने आपसे, बनार से राहुल मौर्या भाई हैं, राहुल मौर्या भाई हैं, उनका नंबर वंबर सब यहाँ पे शेयर है, आप बनारस से उनसे मिलिए, उनसे फ़ोन कीजिए, आपने नंबर है बनारस से राहुल मौर्या भाई का, वो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, उनसे जुड़िए आप, राहुल मौर्या भाई बनारस से। और अरे सर वर्मा जी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि लिस्ट आने से पहले ही धरना हो तो अभी कुछ, आप मुझे ये बता दिए लिस्ट आने से पहले आप, मैं 500 लोग इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा लखनऊ में लिस्ट आने से पहले। सारे सोच विचार करके प्लान किया गया है, आप उसमें कोई चिंता ना कीजिए, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं है, सिर्फ आपका काम ही कुछ नहीं है, दिमाग नहीं सोचना ज़्यादा, आपको सिर्फ इतना करना है लखनऊ पहुंचना है जिस दिन आप वाहन हो, उसके लिए आपको हमसे जुड़ना है, और जो भाई जुड़ गए हैं वो और लोगों को जोड़ लें, यही काम मेन है, बस इतना सा काम करके हमें बैठ जाना चुपचाप, ये सब काम कर लो, एक बार जुड़ जाओ टीम में शामिल हो जाओ, उसके बाद आप आराम से एंजॉय करो। और ये सोच के रखो, एक दिन का आपको समय भी दूंगा मैं, पूरा पूरा समय दूंगा एक दिन का, कि आपको जो भी उसमें जो भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी के पास फाइनेंशियली दिक्कत होती है, नहीं आ सकता। अच्छा एक चीज़ और मैं और करूँगा अभी, कि जैसे कुछ भाई होते हैं वो वास्तव में फाइनेंशियली दिक्कत चल रही हो, क्योंकि भैया बेरोजगारी का दंश तो बहुत ही गंदा है, सब हम झेल रहे हैं, ऊपर से ये कोरोना ने और सबको बेरोजगारी में ला दिया है, उनके लिए भी हम कुछ करेंगे, बस आप आने को तैयार रहिए, हम सारा इंतजाम कर देंगे। रवि भाई तुम मुझे मैसेज कर देना यार, मैं तुम्हें ऐड कर लूँगा। बरेली के लोग बिल्कुल समस्या ना लें, वो तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वैसे भी, उनको तो मैं लिस्ट में से नाम देख के घर से उठा के लाऊँगा, उनकी तो सबकी नियुक्ति करानी करानी है मुझे, क्योंकि आपसे तो मैं कभी भी मिल सकता हूँ। बाकी जो भाई हमारे बाहर के हैं वो लिस्ट बनाने पे जोर करें, वो अपने ग्रुप्स बनाएं उनमें जोड़ें। जी, तन्वेश भाई ठीक किया आपने, बिल्कुल सही किया भैया। अभी मैसेज इसलिए सीन नहीं कर रहा हूँ, अभी लाइव चल रहा हूँ, लाइव के बाद भैया सबके मैसेज सीन करूँगा, आप मुझे नंबर छोड़े। तन्वेश भाई ने देखिए मैसेज नंबर शेयर किया है, मेरा यही नंबर है, बाकी मैंने पोस्टों में हर जगह अपना नंबर लिखता हूँ मैं, इसलिए जिससे किसी को समस्या ना हो। बाकी टीम टीम हमारी है, जो राहुल मौर्या जी हैं और पटेल साहब हैं हमारे, इन सब से आप मिलिए, राहुल मौर्या जी, गौरव भैया, गौरव यादव भैया जो कि आपके प्रतापगढ़ की टीम लीड कर रहे हैं, गौरव भैया और हमारी टीम में हैं, मतलब हम सभी चारों मिलके ही सारा कार्य कर रहे हैं, बाकी आपके सहयोग से ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब चारों मिलकर कर रहे हैं, आपके सहयोग से कर रहे हैं। तो पंकज भैया से आप मिलिए, पंकज भैया प्रतापगढ़ लीड कर रहे हैं, उनका नंबर पड़ा हुआ है पोस्ट में, हर जगह शेयर किया गया है, पंकज भैया से आप पूछ सकते हैं, आप राहुल मौर्या भाई से पूछ सकते हैं, और आप विवेक भैया से भी पूछ सकते हैं, इन सबसे पूछिए आप, सूरज विजेंद्र पटेल जी से। बाकी मैं अभी फिर से लिस्ट जारी कर दूंगा, चारों लिस्टें एक साथ जारी कर दूंगा, आप उसमें देखिए कौन कौन किस किस जगह से लीड कर रहा है, आप उनसे जुड़िए। और अब लीडर्स के लिए बात कह रहा हूँ भैया, लीडर्स के लिए जो भी मैंने अपने क्या बोलते हैं जिला प्रभारी बनाए हैं, तो सभी जिला प्रभारियों से एक ही वो है कि भैया आप प्लीज़ लिंक के माध्यम से लोगों को मत जोड़ो। कई ग्रुप में देख रहा था मैं, विरोधी जुड़ रहे थे, पता है आपको आदमी का माइंड डाइवर्ट होता है, इससे गलत जगह चले जाओगे, फिर से दिमाग वहीं चला जाएगा कि अरे लिस्ट आने दो, इनकी नियुक्ति होने दो, हमें क्या होगा, इसके बाद हमारी हो जाएगी, अरे नहीं हुई नियुक्तियाँ। भैया आप इस चीज़ को सोच के रखना कि हमें नियुक्ति साथ में चाहिए, तो जिला प्रभारियों का विशेष करके, आप जानते ही होंगे कुछ लोगों को, यार आप लिस्ट निकालो अपने ज़िले की और उसमें देखो कौन कौन से लोग हैं जो बहुत नीचे हैं, उनके साथ आप संपर्क करो, और ज़्यादा समस्या की जरूरत नहीं है, खुद लोग लिस्ट आते ही खुद भागे भागे आएंगे, बस ये है लिस्ट जिले में, पर जिले में अगर एक आदमी हो जाएगा ना तो उससे संपर्क हो सकता है कि भैया कब जाना है, हमें कैसे जाना है, सब बताएगा वो इस चीज़ें। संजय मौर्या भाई अयोध्या से भी शायद अभी कोई नहीं है, अयोध्या अभी मैंने जो शेयर की है लिस्ट 22-23 जिलों की, 23 जिलों की बनी है बस, बाकी जो और ज़िले जो नहीं हैं लिस्ट में भी जारी करूंगा, उसके बाद जो ज़िले बचते हैं उसमें आप सब लोग भाई मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एक लिस्ट अभी शाम तक मुझे कम से कम, मेरा टारगेट है आज शाम तक कम से कम 50 जिलों को कवर करना। भैया अभी कॉल मत कीजिए यार, कॉल करने से अभी समस्या आती है, अभी कॉल मत कीजिए, 5 मिनट और बोल रहा हूँ, किसी भाई को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। तो अब लगता है सभी की समस्या का समाधान हो गया है, रणनीति आपको मैंने बता दी क्या रणनीति है, और प्लीज़ इसे कहीं शेयर मत कीजिएगा, विपक्षी इससे अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और आपको
अमित मुंडेला जी, बिल्कुल भैया कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यार, लीड की कोई बात नहीं है, लेकिन साथ मिलके काम करना है आप सभी के। आगे थोड़ा इसलिए आना पड़ता है यार कि हर कोई यार हर जगह यही होता है कि कोई तो ऐसा होगा जो आवाज़ पहले देगा, तो उसके साथ चलना पड़ेगा, इसलिए आगे आए, बाकी कोई समस्या नहीं है भैया, सब होगी। आप एक बार लखनऊ कूच करिए, देखो R9 छोड़िए, आप कहाँ कहाँ डिबेट हो जाएगी, आप चिंता ना करिए। ऐसा मैं जहाँ ये डिबेट करेंगे वही सीधी सी बात है इनकी कि जब तुमने हमने चयनित किया, अचयनित कर कैसे सकते हो। और ये जो बात कहते हैं सभी, उस दिन वो R9 में भी कह रहे थे कि वो कि किसी की तो हो रही है। अरे किसी की हो रही का क्या मतलब है यार, अभी कल वही चीज़ कह रहा हूँ फिर से, कल को तुम 4 लोगों को कह दोगे, बोले इन 4 को मैं नियुक्ति दूंगा, ये क्या चीज़ होती है। और यार पद तो 69,000 थे, 69,000 भरो पूरे, ये कौन सी बात होती कि किसी को तो होने दो। अरे हर कोई अपना लाभ देख रहा है कि किसी की तो होने दो, आप क्यों अड़ंगा कर रहे हो। मुझे लोग कल 2 लोग मुझे कॉल, 2-1 लोग कॉल कर रहे हैं कि वो आप भैया ज़्यादा नेता बन रहे। अरे भैया मैं नेता बन रहा हूँ, और जिसको समस्या हो मुझसे मिलो सीधे यार, नियुक्ति के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा हमेशा, मुझे नियुक्ति चाहिए। और महिला साथियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जुड़ो, मैंने नाम जारी कर दिए हैं, अगर और कोई महिला साथी आगे आती है नेतृत्व भावना से तो उसको जोड़ने के बाद एक और लिस्ट जारी कर दूंगा, आप लोग उनसे जुड़िए। आप मैं समझ सकता हूँ आप लोग नंबर शेयर नहीं कर सकते उधर, तो आप महिला साथियों से ही नंबर शेयर कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका वही है। और वैसे अब सब बड़े, सब अपने आप में परिपक्व हैं, या कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे हों कि किसी के नंबर पर कॉल करें कुछ परेशान करें, और कोई करता है तो मुझे बताओ, लीगल एक्शन के लिए तैयार हूँ, कोई समस्या नहीं है उसमें, कोई परेशान नहीं करेगा जी। पुष्पराज भाई सब यही सोचते हैं कि हम लोग गलत हैं, सब जिसकी हो रही है होने दो, नहीं ऐसा नहीं होने, मैं नहीं होने दूंगा यार। अरे जितेंद्र भैया लिस्ट आने से पहले कुछ नहीं कर सकते आप, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, वे नियुक्ति के लिए बैठ जाएंगे, हम नहीं बैठ सकते क्या। अब आप एक बात बताओ, अगर वे नियुक्ति के लिए बैठ जाएंगे हम भी नियुक्ति के लिए बैठ जाएंगे, 2 लोग बैठ गए ना अलग अलग, तो क्या ये चीज हो जाएगी। हमारा तो वो बैठे हैं, मैं कब चाहूँ कि वो ना बैठे, वो भी बैठे हम भी बैठेंगे, संख्या तो और बढ़ेगी, बड़ी संख्या ही तो चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए क्या सर। आप बिल्कुल इस चीज से निश्चिंत रहो कि 31,000 वाले उसके लिए बैठ जाएंगे, अरे बिल्कुल बैठे हैं, ये तो हम चाह रहे हैं सर, संख्या तो तब ही बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य क्या होगा कि संख्या बढ़े और मांग रखें, जब वो खड़े होंगे तो वो ये कह देंगे हमारे साथ खड़े होंगे कि सर हमें पहले दे दो इन्हें मत दो, या कोई सुन लेगा भाई संख्या बराबर है तुम्हारी, हमारी तो ज्यादा है, जबकि आप अपनी मांग रखो जल्दी कराओ, हमारी भी मांग यही है कि जल्दी कराओ, हो गई दोनों की, करवा दो दोनों को, बस यही तो लक्ष्य है, संख्या बढ़ गई, मैं तो खुद चाह रहा हूं ये सब हो। सर आप लॉजिक से समझिए सब लोग, ये चीज जो कह रहा हूं वो हो तो बढ़िया है, और करना है हमें, सरकार दशहरे में करने के मूड में है। अरे सर कोर्ट की ही तो छुट्टी है यार, लखनऊ थोड़ी बंद कर लेंगे, बसें बंद कर लेंगे क्या, आना जाना बंद करवा देंगे मिश्रा जी, चिंता ना करें। शोम मिश्रा जी आप चिंता ना कीजिए, किसी छुट्टी में करें, ये आपातकाल तो सब कुछ है यार, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप चिंता ना कीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते ये, ऐसे करना क्या, ये खेल चल रहा है क्या, ये कोई वो थोड़ी ना है, गांव में चने बट रहे हैं कि तुझे थोड़े ज़्यादा दे दिए, तुझे थोड़े कम दे दिए, या तुझे नहीं दिए तो तू चुप रहे थोड़ी देर में, देखो ये नहीं होता कुछ, ऐसी तैसी इन लोगों की जो लोग ऐसे करते हैं यार, सॉरी इस तरह के वर्ड मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन नहीं करने दूंगा भैया, कतई भी नहीं करने दूंगा, कुछ भी कर लें इनको, ऐसे दशहरा वैसे जिस छुट्टी में इन्हें करनी हो जिस छुट्टी में करें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कोई भी मेरा भाई ये कह दे कि अगर ये छुट्टी हो, छुट्टियां पड़ी होंगी और वो क्या बोलते हैं उसे आह्वान किया जाएगा, वो नहीं जाएगा, नौकरी का सवाल है भैया, बेरोजगारी का दंश बहुत साल से झेल रहे हो, 2 साल में कितने भाई तो हमारे यार जिनकी डेथ हो गई, तरुण भाई ने बताओ सुसाइड कर ली, कितना परेशान रहा होगा वो, पता है उसके परिवार से पूछो आप, और उस बंदे से पूछो खुद से, अगर वो होता आज पूछते उससे कितना परेशान हो, ऐसे मरना कोई आसान थोड़ा होता है। अरे संजय मौर्या भाई ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहा है, सरकार नहीं चाह रही है, कोई सरकार जानती है हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, सरकार को इस बार एहसास कराना है कि हम सब करेंगे, और जो मेरी रणनीति है आप लोगों को सबको अब समझ में आ गई होगी क्या रणनीति है, और आपको किसी को शंका हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, कोई शंका वाला तो विषय ही नहीं है इसमें, और आप बता दीजिएगा कि इसमें आपके सामने अभी कई लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा या उससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि यार देखो बहुत से लक्ष्य हैं, भर्ती अगर फंस जाएगी तो उन्हीं को लाभ होगा इससे सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाएंगे,
कोर्ट केस करके, ये केस करके, वो केस करके, मुझे कोई लाभ नहीं होगा यार। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ भर्ती हो जाए जल्दी से, और मेरे नाम के आगे अध्यापक लग जाए जिससे चार लोग समझने लगे। जो आज लोग कह देते हैं ना कि गांव में तो यार हमारी चर्चा हो जाती है, एक्चुअली हम लोग गांव में रहते नहीं है, लेकिन गांव में वो होती है कि पुष्पेंद्र तो झूठ बोल रहा है, तो ये फेल हो गया है। अच्छा, जो पढ़ा लिखा है, जिससे इससे संबंध है, वो तो समझ रहा है कि हाँ ये बात है, लेकिन बाकी लोगों को क्या समझाओगे आप? और आप कितने लोगों को समझा सकते हो ये चीज़ें? तो भैया ये सब चीज़ें तो होने ही नहीं देंगे। इस भर्ती को हम और भर्तियाँ नहीं बनने देंगे कि ये सड़सठ हज़ार वो उसे 72 हज़ार बना दें, या फिर और 38 हज़ार बना दें कि जिंदगी भर पूरी ना हो। ऐसा कुछ नहीं होना, हमें करना है। और आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, हर तरह से कार्य होगा, जिस स्तर पर चाहोगे उस स्तर पर कार्य होगा, लेकिन पहली जो प्रक्रिया रहेगी हमारी वो हमने बता दिया आपको। चलिए, अब उम्मीद है सभी साथी और साथियों को जोड़ेंगे, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ आएंगे। चलिए, नमस्कार भैया।